नमो नमः। आज मित्र ने पूछा है कि गुरु जी, ये जो नींद के बारे में हमको बताइए, जैसे स्लीप, तो मैंने उनको बताया कि नींद के बारे में आपको क्या जानना है। तो बोलते गुरु जी, नींद का तो कोई महत्व होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला देखो, इस प्रकृति ने जो भी चीज बनाई है उसमें सबका बहुत बड़ा महत्व है। तो फिर क्या है मालूम है, उसके मुंह पे थोड़ा मुस्कुराहट आ गई। वो भी उसको लगा कि गुरुजी अभी कुछ ऐसी चीज बताएंगे जो अपना जीवन को वैसे बदलेगा और सबको भी मजा आएगा। तो देखो, उसके प्रश्न से आपका भी यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि गुरुजी हमको ये प्रश्न है। तो मेरा नाम भूपेश कुमार उपाध्याय है। तो ऐसे आप ऐसे भी वैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मगर क्या है मन में कि लोग मुझे गुरुजी बोलते हैं, जो मैं काम करता हूँ कितने सालों से, तो मुझे भी अभी कोई पीछे से बुलाता है गुरुजी, तो मुझे लगता है मुझे ही बुलाया। यदि कोई मुझे नाम से बुलाता है मुझे प्रश्न उठ जाता है कि किसको बुलाया। तो एक ऐसा है, तो आप मुझे कोई भी नाम से बुला सकते हैं। मैं तो सभी नाम तो जो प्रभु का ही है। तो नींद के बारे में हम आज जैसे चर्चा विचारणा करते हैं, तो देखो मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आप जो मुझे देख रहे हैं ना, उनको सुन रहे हैं, उनको पूछता हूँ, देखा आप सोते हैं? क्या बोलेंगे? अवश्य, निश्चित, श्योर, वी आर टेकिंग स्लीप। तो मैं आपको पूछता हूँ, आप क्यों सोते हैं? तो आप मुझे जवाब देंगे। आपके पास एक एक क्या है कि एक जवाब है कि गुरु जी हम पूरे दिन काम करेंगे। महिलाएं होती बोलते पूरे दिन ये काम करेंगे, रसोई करेंगे, ये करेंगे, और थक जाएंगे तो सोए, ठीक है। फिर जैसे जैसे कोई आदमी रहेगा, द मैन विल आंसर कि पूरे दिन आई एम गोइंग फॉर माई ड्यूटीज, मैं वो काम करता हूँ तो थकूंगा तो सोऊंगा जरूर। मैंने बोला ठीक है, मैं उनको एक बताता हूँ कि आप ऐसे आश्रम में चले जाइए, आप ऐसी जगह पे चले जाइए और एक तय कीजिए कि आपको क्या करना है, कि कुछ काम नहीं करना है, कुछ भी। आपको खाना क्या भी एक दिन रख दीजिए कि कोई खिला देगा, चमची से खिला देगा, तो क्या आपको नींद आएगी? बताइए गुरु जी क्या बात करते हो, नींद तो आती ही है यदि आप काम करे या ना करे। तो मैंने बोला देखो, पहले आप बोलते हैं कि थक जाते हैं, तो मेरे साथ आप बोलिए कि जो हम थक जाते हैं और नींद आती है वो आधा सत्य है, अर्ध सत्य है, पूरा सत्य किसी को नहीं मालूम है। तो ऋषि मुनि को मालूम था, ऋषि मुनि ने इसलिए बताया कि देखो यस्याम जागृति संयमी, वो ऐसा कुछ निशा के निशा में रात्रि होती है, तो यह निशा सर्व। तो ये जो ऐसे एक श्लोक है भगवद गीता का, मगर मैं आपको वो श्लोक तो बताता हूँ, मगर एक संस्कृत में भी है और गुजराती में बताता हूँ। तो नरसिंह मेहता की बात करते हैं, तो नरसिंह मेहता का एक भजन है, मैं गुजराती में बोल के हिंदी में आपको बताता हूँ। उसमें नरसिंह मेहता ने बताया, जा जा निंद्रा हूँ तने वारू, तू तो नार दुतारी रे। वो निंद्रा को बताते कि निंद्रा तुम चली जाओ, क्योंकि वो तू दुतारी है, बदमाश है। तो क्या होता है, जा जा निंद्रा हूँ तने वारू, तू तो नार दुतारी रे। निंद्रा कहे हूं नथी दुतारी, निंद्रा कहती कि मैं दुतारी नहीं हूं, मैं आई एम नॉट दैट मच ऑफ ऐसे कनिंग, दुतारी नहीं हूं। निंद्रा कहे हूं नथी दुतारी, हूं छू सौनी प्यारी रे, पशु पंखी ने सुखड़ा आपी, दुखड़ा लो चो कापी रे, जा जा निंद्रा हूं तने वारू। अभी उसका मतलब होता है कि नरसिंह मेहता बताते हैं निंद्रा को, देखो तो आप समझिए, थोड़ा गुजराती भी समझ लीजिए, और नहीं तो फिर मैं हिंदी में बताता हूँ कि देखो निंद्रा को बताए कि निंद्रा तुम चली जाओ, क्योंकि तू धुतारी है, मीन्स यू आर द नॉट प्रॉपर पर्सन ऐसा। तो निंद्रा कहती कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, मैं एक प्यारी हूं और पशु पंखी को मैं सुख देती हूं। देखो उसका मतलब है कि नींद जो है वो सुख देती है। तो मैं आप जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट से शुरू करता हूँ, तो यदि किसी को गणित नहीं आता है तो जब रात को सोने के लिए जाता है तो सोचते सोचते सो जाए, वो निंद्रा देवी के पास सोते, मैं होशियार विद्यार्थी हूँ, मैं होशियार विद्यार्थी हूँ, मैं होशियार विद्यार्थी हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, ये जो नींद है, निंद्रा है, वो प्रकृति ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बनाया है। यदि आपको कोई इच्छा पूर्ति करना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ अचीविंग द गोल, तो वो सीक्रेट ये जो ऐसा लोगों को नहीं मालूम है, सीक्रेट कैसे होना चाहिए बताए, कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, सीक्रेट में कोई विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। सीक्रेट का मतलब है एकदम सिंपल है, तो आपकी कोई भी इच्छा रहेगी तो कौन पूरी कर देती है, ये नींद महारानी है, वो पूरी कर देती है। तो यदि कोई भी स्टूडेंट है, फिर हाउस वाइफ है,
फिर जैसे प्रोफेशनल ने अंदर सी है, एडवोकेट है, डॉक्टर से, फिर सर्विसमैन, मैनेजर, जो भी लोगों की इच्छा पूर्ति करने के लिए ये नींद प्रकृति ने बनाई है। तो जब आप रात को, जो लोग स्पिरिचुअल प्रगति करना चाहते, पर्सन हु वांट्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तो वो क्या करेंगे? रात को सोते, मैं दिव्य हूं, मैं जो बोलता हूं आप एकदम नोट कर दीजिए, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं पवित्र हूं, मैं निरंजन, निराकार, निरामय हूं, मैं अजर, अमर, अविनाशी हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मेरा स्वभाव है सच्चिद आनंद, मेरा स्वभाव है, मैं दिव्य आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं दिव्य आत्मा हूं, ऐसा ऐसा करके आप सो जाइए। मैं आपको बताता हूं कि ये जो सिस्टम है वो 90 डेज की रहती है। एक्चुअली तो आप सचमुच में पूछो तो 9 मंथ लगता है कोई भी चीज को बदलना, क्योंकि अपना जो शरीर बनने में 9 महीना लगा है। तो आपको 1 साल पकड़ लेते हैं हम लोग, तो 1 साल के लिए आपको पूरा। फिर आप लोग मुझे बोले, गुरु जी 15 दिन क्या परिणाम नहीं आया? मैं बताता हूँ, देखो बंधारण जो है, तो मेरे हिसाब से कम 1 साल का प्रयोग आपको 1 साल तक करना है। दीर्घ काल नैरंतर्यम सत्कार पूर्वकम सेवितम दृढ़ भूमि ही। तो आप देखो, मैं वीडियो बनाता जाता हूँ, आप सुनते जाइए। तो क्या होता है कि ये जो इच्छा पूर्ति के लिए नींद बनाई है, अभी आपको मालूम पड़ गया कि आप क्यों सोते हो, तो बोलते हैं हम ऐसे ही सो जाते हैं। नहीं, ऐसे मत सो, सोने के लिए पहले तैयारी करो, पहले रिलैक्स बॉडी करो, और आपको जो भी कुछ चाहिए, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम, उसका मतलब रहता है आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, शास्त्र में बताया है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक श्लोक है, ओम जाग्रतो दूर मुदैति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवैति दुरंगमं ज्योति खान ज्योति रेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। उसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं जागृत होता हूँ, मेरा जो ताकत वाला मन दूर चला जाता है, कब वापस आता है? तदु सुप्तस्य तथैवैति, जब आप सो जाते हैं तभी वो मन आपके वापस आता है। उसका मतलब ये हो गया कि जब आप सोते हैं तो निंद्रा समाधय स्थिति, ये निंद्रा नहीं है भाई, ये समाधि है। तो आज से आप क्या करो, रोज सोते वक्त पहले ऐसे रिलैक्स हो जाओ, पहले जैसे मेरे हिसाब से तो क्या है, आपको रिलैक्स होना है, प्रभु का स्मरण करो जो भी आपकी बिलीव है, और फिर ऐसे जो स्टूडेंट है, आई एम पावरफुल स्टूडेंट, माई मेमोरी शार्प, ऐसे करते करते सो जाओ। यदि आपको दुर्भावना है किसी के प्रति, उसको छोड़ दीजिए। क्या होता है, दुर्भावना लेके मत सोइए। क्या होता है, जो भी सोएंगे तो जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में, और हो सके आप तुरिया में चले जाएंगे, तो वो दृढ़ हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने स्लीप मैनेजमेंट वो जो बताया कि कैसे नींद का महत्व क्या है, और अपना देह है वो कैसे सिद्ध हो जाता है। देखो इस संसार में एकदम सरल है, शास्त्र क्या बताता है कि जिसकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। ये संसार एबंडेंस का है, असीमता का सिद्धांत लागू पड़ता है। उसका मतलब है कि लॉ ऑफ एबंडेंस है। तो सकल ये इसमें है कि ये जो चाहिए वो मिलता है। तो इसमें देखो सब जगह क्या है, प्रभु है, कण कण में नारायण है। तो बताता है कि ये जो है तो सकल पदार्थ है जग माही, जो चाहिए वो है। तो आप ये नींद का प्रयोग कीजिए, ऐसे मेरे हिसाब से तो 9 मंथ तक कीजिए, आपके जीवन में अवश्य बदलाव आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, जब रात को आप सोने के लिए जाते हैं तो रिलैक्स होके सो जाइए। फिर ऐसे वो ऐसे लोग क्या रहता है मालूम है, दुखी होके सो, दुखी होते होते सो जाते हैं, ऐसे मत सोचिए, आनंद में सोचिए। तो क्या होगा, उस देह को आप सिद्ध कर लेंगे। मैं कितने सालों से काम करता हूँ, ऐसे कम से कम मैंने जो शुरू किया तो मैं कितने सालों से काम करता हूँ। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं तब उनको मालूम है, बचपन से व्यसन मुक्ति यज्ञ चलाता था, फिर धीरे धीरे ध्यान सिखाने लगा हूँ। तो ये मेरा अनुभव रहा, मुझे बहुत लोग मिले, बहुत लोगों का जीवन बदल गया है। अभी ये यूट्यूब है, तो ये यूट्यूब माता का आभार मानो कि हे माता तुम हमको ज्ञान दे रही है। तो ये जो है, तो देखो माता दो होती है, एक पूतना माता होती है और एक जैसे जसोदा माता होती है। तो आप ऐसे वीडियो मत देखो, देखो क्या होता है, वो जहर मत पियो,
कभी कभी लोग आते हैं ऐसे पूरी रात ऐसे ऐसे वीडियो देखते रहते हैं। देखो वो तो माँ, ऐसे देखो आप चयन करो कि वो माँ है ना तो उसमें पूतना माता या फिर वो जसोदा माता, तो आप क्या है मालूम है कि अच्छी वीडियो जो मोटिवेशन करे आपको, प्रगति दे, मनोरंजन की अच्छी साइट है, मतलब थोड़े दिन के थोड़ी समय के लिए होता है, पूरी आप देखते रहे देखते रहिए देखते रहिए तो ये लाइफ है ना वो आपको सहयोग नहीं देगी। तो मैं आपको जीवन को बदलने के लिए वो नींद का महत्व बताया। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, मेरे साथ बोलिए। आपको बहुत मजा आ गया मुझे ऐसा लगता है, आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि कभी लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैंने बोला वो कमिटमेंट होगा, आपको आपके प्रति कमिटमेंट होगा कि जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं यू आर लविंग योर सेल्फ। आपको यदि प्रेम करते हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो आपके लिए है, ऑल माई वीडियो इज फॉर यू। तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लोग मुझे बोलते हैं कि आप कैसे बोलते हैं, तो मैं ऐसे नमो नमः का मेरा वीडियो देख लेना, मैं आपको ऐसे कम नहीं जानता हूँ, मैं आपको प्रभु मानता हूँ, ये मेरी पूजा है, ऐसे वांग में ही पूजा मेरी, ये पुष्पों द्वारा मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। तो चलो आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। जब मेरा वीडियो समाप्त होता है तब आपको बोली देना है आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। अस्तु, आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल।